मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल कोटा बेलतरा और मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प शिविर को संबोधित किया। बिलासपुर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायकों के दौरे पर कहा कि इसका मतलब बीजेपी के पास अच्छे प्रत्याशी नहीं है। सीएम ने भाजपा से सवाल करते हुए ये भी कहा कि SECL कोयला उत्खनन करने वाली कंपनी है, दूसरा NMDC लौह अयस्क उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। भारत सरकार ने दोनों को अडानी को दिया है। अडानी को जो आयरन और कोल खदान दिया गया है उसे निरस्त किया जाना चाहिए कि नहीं। आज सब विभाग में भर्ती चला थे, 40,000 पद भरे जा थे, ओकरे साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी दे थे, 2,500 रुपया महीना, राजीव युवा मितान क्लब भी अमन बनाया, ओकर साथ साथ महिला में गौपालक मन के 2 रुपया किलो में गोबर और 4 रुपया लीटर में गौमूत्र खरीदे काम करा था, जबका लगो उपज है खरीदा था, साथ ही कोदो कुटकी रागी तेकरो समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी की व्यवस्था करें, तो हर प्रकार से चाहे लघु उपज संग्राहक से लेके धान बेचैया तक ओकर पैसा ओकर जेब में पैसा जाना चाहिए, हर महीना पैसा जाना चाहिए, हर तिमाही में पैसा जाना चाहिए। 21 मई की पहली किस्त हम दे रहे हैं, 20 अगस्त के दूसरा किस्त देन, ये वक्त आचार संहिता 1 नवंबर के पहली लग जा रही होकर पहली तुम आचार संहिता पहली तुम तीसरा किस्त आ जाएगी। रमन सिंह तो केवल ठगे काम करीस, कभी चाउर के नाम से ठगीस, कभी गरबा के नाम से ठगीस, कभी किसान ला बोनस के नाम से ठगीस, कभी 2100 रुपए के नाम से ठगीस, ठगे के अलावा कोई काम भारतीय जनता पार्टी है ओकर नेता मन नहीं करे। हमार सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तेन तुम आर्थिक रूप से सक्षम बनाए काम करे। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में यही बिलासपुर में नानचिक नसबंदी में 13-13 जन हमारे बेटी मन की मौत हो गए, नकली दवाई डाली तो आंख ही फूट गए, पैसा कमाए कते खवस के हमारे बेटी मन के नौजवान बेटी मन के गर्भाशय तक निकाल ली होकर से पैसा कमाए काम करे। कमीशन खोरी चाहे वो साइकिल में हो, कॉपी पुस्तक में हो, चाहे वो मोबाइल में हो, टिफिन में हो, सब में कमीशन खोरी। ये जेट्रोफा रतन जोत रमन सिंह नारा दे रहा है डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से, अब डीजल नहीं है बाड़ी में तो वापस जाए क्या खाड़ी में? 1 लीटर डीजल पैदा नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद करके लूट ली। ईडीआईटी वाले मन जांच कावर नहीं करते, गरीब आदमी किसान मजदूर किसान मन अपन जमीन बेच दी, नौकरी पैसे वाला मन अपन रिटायरमेंट के पैसा ले झोंक दी, सब चीट फंड कंपनी में डाल दी, हजारों करोड़ रुपया लूट के भाग गए। यही रमन सिंह धरमलाल कौशिक नारायण चंदेल ये मन सब ला रोजगार सर्टिफिकेट दे रही, सब लूट के भाग गए। एकर जांच ला ईडी वाला मन नहीं करा थे, रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब पैसा कतका हवा शरीर से, अरे चावल में घोटाला करे, राशन कार्ड में घोटाला करे, अरे टॉयलेट में तक शौचालय पैसा तक खा गए थे, 1500 करोड़ रुपया घोटाला टॉयलेट के। अरे मैं नहीं कहा था, ये केंद्र की सरकार NHFS के रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट है कि 13 लाख शौचालय बने नहीं छत्तीसगढ़ में, ऑल ODF घोषित कर दे। ये रमन सिंह की सरकार रही से, रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में कोई काम नहीं करे, बाप बेटा दोनों जन 18 गुना कर संपत्ति बाढ़ गए। कब जांच करी ईडीआईटी? तो हमारे मन के पाछू में किंजरा त्री बेते हैं गली गली में, कुकुर भी नहीं मन किंजरे जब का गली में, ये ITED वाला मन किंजरा थे, ये हमारा डरवाए काम करा थे। एक तरफ लुटेरा मन के पार्टी जन छत्तीसगढ़ लुटे, छत्तीसगढ़ के धान, छत्तीसगढ़ के खदान, छत्तीसगढ़ के वन संपदा लुटे काम करे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार है 5 साल